भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त, ऐसी है केदारनाथ मंदिर की कथा। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। धार्मिक मान्यता के अनुसार केदारनाथ को द्वादश ज्योतिर्लिंग में 11वां स्थान माना गया है। साथ ही यह सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से भी एक है। कहा जाता है कि केदारनाथ धाम की कहानी बेहद अनोखी और दिलचस्प है। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ धाम की कहानी बेहद ही अनोखी है। जी हाँ, और ये क्यों है? क्योंकि मान्यता के अनुसार पांडवों ने केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण करवाया था। आइए जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर के बारे में क्या है ये खास बातें। देखिए, केदारनाथ मंदिर के विषय में प्रचलित कथा के अनुसार पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे, इसलिए वे केदारनाथ चले गए। पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों को वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया। जी हाँ, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच में चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान ना सके। कहते हैं कि भीम ने विशालकाय शरीर का धारण करके दो पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए, जिसके बाद उस पहाड़ के नीचे से सभी पशु पक्षी तो निकल गए, लेकिन वहां मौजूद एक भैंसा वहां से नहीं गया। जिसके बाद भीम पूरी शक्ति से भैंसे की ओर झपटे, लेकिन वह जमीन में समाने लगा। तभी भीम ने उसकी पीठ को पिछला हिस्सा पकड़ लिया। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाया था। मान्यता है कि भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद भी दिया। इसके साथ धार्मिक मान्यता है कि उसी समय से केदारनाथ में भैंस की पीठ को शिव का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। यदि आप केदारनाथ भगवान की ये कथा पहले से जानते थे या आप कभी केदारनाथ भगवान के दर्शन के लिए गए हैं या जाने वाले हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। धन्यवाद।